आज कर्नाटक का स्टेट बकबोट के कोतवाली जिले के दो अरकिन का नतज का ऐलान हो चुका है। सबसे पहले मैं हमारे दक्कन की दरगाह हजरत ख्वाजा मौलानाथ रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन डॉक्टर हाफिज सैयद शाह अली अलहुसैनी चिमला कर्नाटक स्टेट वकोट को इनकी अमीर चेहरों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने भारी एक्सीडेंट के साथ इस इंतखाबात में अपनी जीत दर्ज करवाई है। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ अपनी जीत इस इलाके के लिए दिलवाई बल्कि मरहूम सज्जादा नशीन जो उनका ख्वाब था उस ख्वाब को उन्होंने शर्मिंदा साबित किया है। मरहूम की बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बाद अली अल हुसैनी साहब फिरला आगे के तमाम वक्फ के मामला को संभाले। इस इलाके के लिए भी बड़ी आज का दिन मसरत का दिन है कि इस इलाके के लिए जो वक्फ के जो मसाइल हैं और जो नए नए साजिशें औकाफ लेकर हो रही हैं, मैं समझता हूं कि डॉक्टर सैयद शाह अली अल हुसैनी साहब फजला इन तमाम जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभाएंगे। न सिर्फ निभाएंगे बल्कि यहाँ के जो मसले मसाइल हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। आखिर में मैं इस मुतवली जिम्मे में और एक रुकन की हैसियत से इंतखाब होने वाले जनाब अनवर पाशा साहब को भी जिनकी ग्यारह से मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ एमएलएज में दो जो नुमाइंदे वफ रुकन की हैसियत से जो इलेक्ट हुए हैं बिला मुकाबला मुंतखब में उनको और एमपी के हिस्से से जो बिला मुकाबला इलेक्ट हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के खुशी के मौके पे हुसैनी साहब फिदला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज के रुकन औकाफ कर्नाटक जो है ना दिल की गहराइयों से राजनीति के तमाम अहबाब की जानिब से और मेरी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अली हुसैनी साहब फिदला औकाफ के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेंगे क्योंकि आपके अंदर एक अच्छी सलाहियत है। आप एक दिन अच्छे नाम हमारे पास जो अलिया ग्राम के नजदीक जो आपकी ये सुबह है उसको हम ध्यान में रखते हुए उम्मीद रखते हैं कि आपकी जनताओं की दिशा के लिए आप भरपूर काम करेंगे आगे बढ़कर काम करेंगे और इस मौके पे मैं और बाकी तमाम मेम्बर जो नामनेट हुए हैं जो अनुकूल हुए हैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का अनवर बादशाह साहब जो साबिका चेयरमैन है वो भी इलेक्ट हुए हैं और हमारे एमएलए मैडम साहेबा जदीश फातिमा साहेबा भी अनुकूल हुए हैं उन्हें भी मिलकर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान अजीम है कि आज अल्लाह तबारक तआला ने एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर औकाफ की मेंबरशिप के लिए मुंतखब किया है। वाकई में जो है ना वो काबिल एहतराम और जी फहम और औकाफ के मसाइल से वाकिफ शख्सियत है और हम उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरीके से आज जो है ना अक्सरियत के साथ मुंतखब हुए हैं इसी तरीके से मिल्लत के मसाइल को भी आगे बढ़कर हल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में जो अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में पेश हुआ है उसके ताल्लुक से जो हुकूमत का मौकफ है वो बड़ा सख्त है। इसके खिलाफ ये भरपूर कोशिश करके उस बिल को रद्द कराने की कोशिश करेंगे और दीगर तमाम अफवाह के मेम्बरान का भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो औकाफ के मसाइल को बड़े अच्छी तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे।